बस कुछ ही वक्त रह गया आपकी फिल्म रिलीज के लिए तैयार है, लड़के ने तक तक बहुत, अरे बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है 23rd जैसे जैसे पास आ रहे हैं, बट साथ ही बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, बहुत खुशी है। आई थिंक जितनी हमने मेहनत करनी थी हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं इस फिल्म के लिए, तो अब बस रिजल्ट दिखना बाकी है। ताहिर आपको लगता है कि अगर फर्स्ट फिल्म फ्लॉप रही या हिट रही, अगर ऐसा होता है कि फर्स्ट फिल्म फ्लॉप हो जाती तो सेकेंड के लिए कुछ ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता, लेकिन आज तक स्टार सन जी नहीं, एज अ स्टार सन मुझ पर एक एक्सपेक्टेशन है मैम, एज अ स्टार सन एक एक्सपेक्टेशन, एक उम्मीद है मुझ पर, हालांकि वो मेरी ताकत है, मैं उससे मतलब एक बहुत बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लेता हूँ मैं, आई बेसिकली उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, उससे मुझे ताकत मिलती है टू टू वर्क हार्ड। और बन चुके हैं बहुत पहले से, बचपन से नहीं सर बात के, एज अ पहली पिक्चर के हिसाब से मैंने कोशिश किया एक फुल पैकेज दिखाने सर। ऋतिक सर एक बहुत ही बड़ा आइडल है मेरा सर, और उनकी जो लॉन्च थी कहो ना प्यार है, मैं उनको देख के आइडलाइज करता हूँ, मतलब मैं उनको आइडलाइज करता हूँ। पता नहीं सर, अभी कल दिल्ली जा रहे हैं हम प्रमोशन के लिए, उसके बाद 22 तारीख को हमारी जो स्क्रीनिंग्स होगी, और उसके बाद रिलीज़ चंदन सिनेमा में आपके साथ देखूँगा शायद। नहीं दोनों अच्छे हैं, दोनों बढ़िया एक्टर्स हैं, दोनों की खासियत अलग है, मतलब क्या बोलूँ, एक नाम बता दीजिए जिसके सिक्स पैक आपको अच्छा। ऋतिक रोशन दोनों में से रणवीर सिंह सर का मतलब उनकी बॉडी बहुत अच्छी थी रामलीला पिक्चर में, तो हाँ काफ़ी मेहनत की उन्होंने, तो या आई वुड से रणवीर सिंह।